हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज के दिन में मेरा ये सेकंड ब्लॉग है और अभी मैं अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैंने मम्मी को ऊपर से घुमा के लेके आई हूँ और सोचा क्यों ना अभी थोड़ा टाइम मामा के घर जाती हूँ। मामा घर पास में ही है, हम लोग 10 नंबर गली में रहते हैं और मामा 6 नंबर गली में रहता है। तो मामा के घर में काम था तो मम्मी सुबह जाने वाली थी, सुबह बहुत बारिश दे रहा था इसलिए जा नहीं पाई। अभी जाऊँगी, सोचा था पहले कंघी उंगी कर लेती क्योंकि मैं बहुत थक गई और पूरा हेयर का तो हालत ख़राब हो गया। कंघी करती हूँ, करके फिर निकलती हूँ। मामा के घर में थोड़ा टाइम बैठूंगी फिर घर में आ जाऊंगी। और आके क्योंकि आज मैंने कुछ काम नहीं किया, आज मैंने अपना मम्मी को दे दिया सारा समय, क्योंकि मम्मी को तो रोज़ दे नहीं पाती समय, तो आज सोचा मम्मी को देती हूँ। उनका भी कुछ ख्याल रखना पड़ता, उनका भी मन का बात रखना पड़ता, तो आज मैंने सिर्फ अपना मम्मी का बात रखा। तो मैंने बोला काम तो चलो होता ही रहेगा, आज थोड़ा जल्दी करती हूँ काम, थोड़ा बाद में कर लूँगी काम, क्योंकि अभी काम पूरा रह गया। मामा के घर से आके फटाफट काम ख़त्म करूँगी, फिर आप लोगों को से बातें करूँगी फ्री होके। पहले मैं रेडी होती मामा के घर चली जाती हूँ फटाफट जाके, फिर रिटर्न होती हूँ। तो मैं पहले कंघी करती हूँ। मेरे से कितने बार टूटता है महीने में एक दो बार, मैं कितना खरीदती हूँ, मुझे इतना पसंद है इस टाइप का, पर कितना जो टूटता रूटता रहता है। चलो कुछ किया नहीं क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, काम है मामा के घर में इसलिए फटाफट जा रही हूँ, फटाफट आ रही हूँ, आके भी फ्रेश होंगी। तो चलो मैं निकलती हूँ मामा के घर में। कैसे देखिए हमारे शाम होते हम लोग इधर इतने मच्छर आ जाते, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए बहुत मच्छर है शाम होते ही। और हम मामा के घर आते ही देखा कि मामा के गार्डन में एक नया फूल खिला है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है। गुड मॉर्निंग, सुबह का 8 बज रहा है, कल और ब्लॉग कर नहीं सकी क्योंकि मामा के घर से आते आते लेट हो गया और मामा का घर हम लोग के घर से बहुत ही पास है, तो ये मत सोचे कि मैं बहुत दूर चले गई, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम पास में ही है। तो मैं गई और आते आते लेट हो गया, मामा लोग के साथ मतलब बातें वातें करते रहते। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ ख़रीदने के लिए, मैंने फ़िश ख़रीदने के लिए, देखती हूँ है क्या नहीं है, मालूम नहीं फ़िश देख लेती हूँ। कल से देख रहे फ़िश कोई आ नहीं रहा घर के सामने, तो अभी मैं मार्केट जाती हूँ, मार्केट से मिलने से लेके आऊँगी, नहीं मिलने से तो आ जाऊँगी ऐसे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। बारिश इतना दे रहा है, सुबह से बारिश अभी बंद हुआ, मैं मार्केट कब से निकलना ही नहीं हो रहा, अभी बंद हुआ तो मैं अभी जल्दी जल्दी निकल रही हूँ।180 में रोमच्छी लिए और रोमच्छी का एग अलग से खरीदा जो मैंने 200 ग्राम ₹50 में लिया। अभी घर जाऊंगी, घर जाके मैं फ्रेश होंगी और पूरा अच्छे तरह से साफ़ सुथरा करूँगी। हम बिना नहाए हम लोग घर में नहीं घुसते, अगर बाहर में से निकलते हम लोग घर में नहा धो के घुसते। तो अभी चलिए मैं चलती हूँ घर में, फिर फ्रेश व्रेश होके फिर आप लोग से मिलती हूँ। मैं अभी आ गई किचन में, मैं फ़्रेश हो गई अच्छी तरह से, फ्रेश होके अभी मैं फटाफट मच्छी को फ्राई करूँगी, फ्राई करके फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मम्मी का टाइम हो जा रहा है मेडिसिन खाने का और बहुत लेट हो गया आज सच में, मैं उठी भी लेट करके और काम भी लेट स्टार्ट हुआ है। तो चलिए मैं फटाफट करती हूँ मैं भी, आप लोग भी देखते जाइए। मेरा थक गई मैं, मेरा फिश दिन धोना ख़त्म हो गया है, अभी 9 बज रहा है, अभी फटाफट खाना बनाऊंगी। आज
बहुत लेट हो गया सच में, बाजार करो आगे फिर खाना बनाओ, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अभी मैं फटाफट खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। हम लोग का ब्रेकफास्ट खत्म होते ही मैंने फिश को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिश बहुत टाइम हो गया था, तो मतलब ज़्यादा टाइम हो गया था और नरम होना स्टार्ट हो गया था। और मैंने बैगन आलू का तरकारी भी बिठा दिया। और हमें आपको अपने मेरा किचन का हाल दिखाते हैं, क्या जो हुआ है किचन। अब इसको सफाई करने में मेरे को कितना जो प्रॉब्लम होगा अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इधर मिर्ची अभी भी फ्राई हो रहा है और यहाँ देखो मेरा हाथ जल गया, तेल आ गया हाथ में गिर गया, अभी बहुत जल रहा है। और यहाँ पर बैगन आलू तरकारी हो रहा है और यहाँ पर सब बना बना के रखा हुआ है। और ये देखिए मेरा किचन का हालत, बहुत टाइम लगा ये सब काम समेटते हुए मुझे। और आज सच में लेट उठने से लेट ही काम होता है और जल्दी उठने से जल्दी काम ख़त्म होता है। और आज बहुत टाइम लगेगा सब काम ख़त्म करते, तो मैं जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस अभी मेरा काम ख़त्म हुआ, अभी जस्ट नहा धो के आई मैं और अभी 2 बजने वाला है। आज सच में बहुत लेट हो गया काम करते करते, और लेट उठी थी बाजार गई लेके आते आते बहुत मतलब लेट हो गया। और ये देखिए मेरा हाथ में टूश, ये जो क्या मतलब तो पानी भर गया इसमें, बहुत जल रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से काम किया। गाइस मेरा अभी खाना ख़त्म हुआ और देखती हूँ बारिश बारिश जैसे आएगा सब लग रहा है देखने में, तो सोच रही जितना सूखा कपड़ा है उठा लेती हूँ। गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, और मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।